कई जगहों पर एनसीबी की छापेमारी, क्या कुछ बड़े पेडलर्स पर आज छापेमारी हो रही है? और बीते दिन भी आपने जानकारी दी थी टेलीविजन एक्टर्स थे जो जिनके घर से कल तक बरामदगी हुई है। अरविंद ओझा जी, बिल्कुल, देखिए जो टीवी एक्टर जो कल दो आए थे जिनसे पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ के आधार पर मुंबई में कई जगहों पर रेड चल रही है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की। और जिस तरह से कल टीवी एक्टर थे जो जिनको समन किया गया था, पहले वहां पर रेड की गई थी और उसके बाद उनको समन किया गया था, बाद में पता चला उनके घर से, इस वक्त में जिस वक्त में पूरी मुंबई में तमाम ड्रग्स माफिया इतने ज्यादा कहे तो डरे समय है, उनके घर से मैरुआना वो कुछ ग्राम बरामद हुआ था। तो टीवी एक्टर की पूछताछ के बाद वो अब मुंबई की टीम जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि अब जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अलावा जो टीवी के सितारे हैं, ऐसा लगता है अब उन पर भी शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि इसके पहले जो ड्रग्स पेडलर केजे उर्फ करमजीत गिरफ्तार हुआ था वो काफी ज्यादा एक्टिव है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच। उसके पास से लिस्ट भी मिली है कई टीवी के कलाकारों की। तो उस कल जो टीवी के कलाकारों से पूछताछ हुई थी, उसके बाद आज मुंबई के अलग अलग इलाकों में रेड जारी है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में रेड जारी है और ऐसे ही रेड की बात पहले भी एनसीबी ने की थी। ये तस्वीरें अब आ रही हैं सिमोन खंबाटा को लेकर, जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो जा रही हैं पूछताछ के लिए। सिमोन खंबाटा की ये तस्वीरें हैं, रकुलप्रीत भी पहुंचने वाली है। टेलीविजन के कुछ सितारों पर भी शिकंजा कस रहा है, अलग अलग जगहों पर ये रेड है। कोशिश यही है, पंकज उपाध्याय आप वहां पर मौजूद हैं लेकिन लगातार आपने भी नजर बनाई हुई है, ये जो पूरी एक तरह से ये जो सर्किट है, ये सर्किट जो है फिल्म एक्टर्स, टेलीविजन स्टार्स, फैशन डिजाइनर्स, सर्किट में सभी तक पहुंचकर एनसीबी अपनी इस जांच को आगे ले जा रही है। पंकज उपाध्याय जी हाँ बिल्कुल, एनसीबी ने कहा है कि ये कॉन्टैक्ट बेस्ड नेटवर्क है, यानी एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे के साथ कॉन्टैक्ट है। जो टॉप बॉलीवुड के सितारे हैं वो सिर्फ एलिस्टर्स ही नहीं, उनके नीचे भी जो कॉमन बॉलीवुड के सितारे हैं जिनके धीरे धीरे नाम आ रहे हैं, वो डायरेक्टली कभी ड्रग पेडलर्स के साथ कॉन्टैक्ट नहीं रखते थे। वो चाहे अपने मैनेजर्स के साथ कॉन्टैक्ट रखते थे, मैनेजर फिर जो नीचे स्टाफ है उसको डिप्लॉय करता था, जो स्टाफ है वो किसी और को भेजता था, फिर वो ड्रग पेडलर्स के साथ अपनी साठगांठ करते थे, ड्रग पेडलर्स जो उनके बॉसेस थे उनके साथ प्रोक्योर करते थे, और उसके बाद जो टॉप बॉसेस हैं जो कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक सेकंड पंकज, आपको रोक रही हूं। रकुलप्रीत को एनसीबी का समन अभी नहीं मिला है, अमित त्यागी, क्या इस तरह की खबर आ रही है? रकुलप्रीत ने समन मिलने से इनकार किया है। जी हां अंजना, जी हाँ, अभी जो जानकारी हमें मिली है, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया रकुलप्रीत की टीम की तरफ से, कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है, उन्हें मतलब ना मुंबई से ना फिर हैदराबाद से, तो इसका मतलब ये है कि आज वो नहीं आएंगी अगर उनका ये कहना है कि उन्हें समन मिला ही नहीं है। तो ये पूरा मामला अभी बदल गया है, पर खबरें ये भी आ रही हैं कि समन उन्हें किसी और भाषा में भेजा गया था जो उन्हें मिला नहीं, उन्हें पहुँचा नहीं, समझ में नहीं आया, जो भी हो, लेकिन हम उनकी टीम से लगातार टच में हैं कि और ये पता चला है कि समन मिला ही नहीं है। देखना होगा कि क्या खबर आती है, क्या रकुलप्रीत अपने घर से निकलेंगी, क्या एनसीबी के पास जाएंगी, क्योंकि उन्होंने इस वक्त तो मना कर दिया है कि उन्हें समन ही नहीं आया है। तो ये पूरा मामला एक तरह से अभी एक नया टर्न ले रहा है। बिल्कुल, पूरा मामला एक नया टर्न लेता हुआ, क्योंकि रकुलप्रीत को लेकर अब जानकारी आ रही है वो इसे डिनाई कर रही है कि उनके पास कोई समन अभी तक एनसीबी का नहीं मिला है। लेकिन सिमोन खंबाटा के इर्द गिर्द अब तो आपने तस्वीरें भी देख ली हैं, उनके जरिए बातचीत में, पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है इस पर भी नजर रहेगी। इस बीच याद रखिए, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की तो बीती रात तस्वीरें आई थी जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि उन्हें सैटरडे के लिए बुलाया गया है पूछताछ के लिए। क्या इस बारे में कोई कंफर्मेशन अरविंद ओझा जल्दी से एनसीबी की तरफ से आप या मुनीश पांडे कोई भी दे, और अशोक कोई भी हलचल वहां पर हो फौरन इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। आप मुझे पता है बार बार घड़ी देख रहे हैं क्योंकि टाइम करीब आ रहा है। अरविंद जी देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि दरअसल ये एक एक्सक्यूज है, रकुलप्रीत सिंह ये एक्सक्यूज कर रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे कोशिश की गई है रकुलप्रीत से उनको समन के बारे में बताने की, यहाँ तक कि उनको फोन भी किया गया है लेकिन रकुलप्रीत ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया।
ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है, उन्होंने किसी भी फोन का रिस्पांस नहीं किया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये कहना है कि उनके मुताबिक उनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो हैदराबाद थी, हालांकि वो मुंबई आ चुकी है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो रकुलप्रीत सिंह है वो एक्सक्यूज दे रही हैं, उनको सम्मन कल भेजा गया था, उनको उनके तमाम कोशिशें की गई थी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, यहाँ तक कि उनको कई बार फोन भी किया गया। तो फिलहाल की यह बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यही स्टैंड है और उनका कहना है कि उनकी तरफ से सम्मन के लिए कई बार रकुलप्रीत सिंह को कॉल किया गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कहा है कि वो सिर्फ एक बहाना बना रही है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि वो इंतजार करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनको आना तो है ही, इसलिए जल्दी जल्दी वो पूछताछ को ज्वाइन करें। ये अमिताभ बता रहे थे कि वो कुछ कह रही थी लैंग्वेज के बारे में कि कोई दूसरी भाषा में दी गई, इस बारे में क्या कहने की कोशिश है अमित? जी कुछ सूत्रों ने हमें बताया कि उनको किसी और भाषा में शायद समन भेजा गया था, शायद इस वजह से वो बात उन तक पहुंची नहीं, पर इस बारे में भी पुष्टि नहीं है क्योंकि वो हैदराबाद में थी जैसा अरविंद ने बताया, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तरह तरह की वजह है कि उन्हें समझ नहीं मिला, पर जैसे कि अरविंद ने क्लियर किया कि ये सब एक्सक्यूजेज हैं, रकुलप्रीत को आना ही है, अब देखना होगा कि कब वो ये फैसला लेती हैं। एनसीबी के पास पूरे कानून तरीके से पहुँचती, इससे पहले भी उन्होंने मीडिया ट्रायल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, तो रकुल थोड़ी सी इस पूरे मामले से बचती फिर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें और उनके केस को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। हम उनकी टीम से अभी भी लगातार संपर्क में हैं कि क्या वो जवाब देती है, क्या वो आज जाएंगे नहीं, क्या क्या उनके जैसे वो मतलब उनके इतने जस्टिफिकेशंस की आखिर वो क्यों एनसीबी को फेस नहीं कर रही हैं, इसका हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। फिलहाल हम अभी ढूंढ रहे हैं कि वो उनसे कुछ बातचीत हो, पता चले कि आखिर क्या वजह है, वो क्यों नहीं जा रही हैं। कल ही रात मुंबई पहुंची हैं अपनी शूटिंग कंप्लीट करके, तो हम बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर नज़र।